अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह सुबह बाहर आया वेखे माशाल्लाह बड़ी हरियाली और बड़ी खूबसूरती नजर आ रही। इसी हवाले नाल मैं कलाम इकबाल पेश करता हूँ। कलंदर लाहौरी अलामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप सरकार ने कहसाना के बारे की लिखा, आशना अपनी हकीकत से हो ऐ देखां जरा, आशना अपनी हकीकत से हो ऐ देखां जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू राह रहो भी तू राह बर भी तू मंजिल भी तू। इकबाल साहब फरमांदन के आशना अपनी हकीकत से हो ऐ देखां जरा, इकबाल साहब फरमांदन के ऐ जट्टा ऐ कैसान तू अपनी हकीकत तो आशना हो, सब कुछ तू ही है, ए तेरी मेहनत का सिला है, तेरी मेहनत ही है कि दुनिया खा रही है। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, तू इन्हें सकूलिया नू या इन्हें जेड़े योदो नसारा दी तालीम पढ़े लिखे हो जेड़े हैं ये जेड़े नए माहौल विच रंगे, इन्हें ना वेख, इन्हें वेख कि तू जेड़ा ना एवें आवारगी अपने पैदा ना कर, सब कुछ तू ही है, तेरे दम नाल जहां चल रहा, तेरी मेहनत तेरे खून पसीने की कमाई नाल जहां चल रहा। अगर एक बात सब की फरमा दें, आलम फाजल बेच रहे हैं अपना दीन ईमान, तेरी बे इल्मी ने रख ली बे इल्मों की लाज, आलम फाजल बेच रहे हैं अपना दीन ईमान। इकबाल फरमांदा है कि तेरी बेइल्मी ने रख ली बेइल्मों की लाज, और चीफ जस्टिस ने आख्या कि सब पढ़े लिखे धोखाबाज है, ए सर सैयद भी आख्या है, उस आख्या के अफसोस है कि जिनसे भलाई की उम्मीद थी वो यूं जो पढ़ते जाते हैं जानवरों से बदतर मान रहे हैं, स्कूलों कॉलेज की तालीम तो यूनिवर्सिटी की तालीम खचरों से बदतर बनाती है। तो ये जस्टिस ने ताई आख्या कि सब पढ़े लिखे धोखाबाज हैं, इस वास्ते तेरी बेइल्मी ने रख ली बेइल्मों की लाज। अगर कोई हया गैरत शर्म है ना वो जट्टा दे विच नजर आती, ये देसी बने सादे लोग पढ़े लिखे चो सब कुछ चीज खत्म हो गई। ताई हजूर के बला मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब ही फरमांदे कि अगर मैं शर्म हया वेखिए दीन की मोहब्बत वेखिए दीन का दर्द वेखे तो देसी सादे जट जड़े बंदे हैं इन्हें वेखिए। इस वास्ते आशना अपनी हकीकत से हो ऐ देखां जरा,